सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था निदान रोकथाम अधिनियम क्या है। गर्भावस्था निदान यानी लिंग निर्धारण अधिनियम से जुड़े कानूनों के बारे में जानना जरूरी है। PCPNDT अधिनियम 20 सितंबर 1994 को भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए जन्म पूर्वक वैधानिक तकनीकों को प्रतिबंध करने के इरादे से अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार ने बच्चे के जन्म से पहले लिंग की जांच पर प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का जुर्म करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यह अधिनियम गड़बड़ी करने वाले रेडियोलॉजिस्ट, सोनियोलॉजिस्ट इनके लिए भी लागू होता है। साथ ही अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के और पालन करना भी बहुत आसान है। अधिनियम की कुछ बुनियादी आवश्यकता है। PCPNDT अधिनियम के धारा 18 के तहत पंजीकरण, गर्भवती महिला की लिखित सहमति और अधिनियम की धारा 5 के तहत भ्रूण के लिंग को संचारित करने के निषेध, अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदान किए गए रिकॉर्ड का रख रखाव, लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने के बोर्ड के बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। अधिनियम की मूलभूत आवश्यकता पर एक नज़र अधिनियम की सादगी दिखाती है, लेकिन किसी भी तरह से अधिनियम का अनुपालन नहीं करती है, चाहे वह त्रुटि के सबसे छोटे हो। गलती पर क्रोध किया जाता है। अधिनियम की सभी गलतियों को दंडित किया जाता है, या तो यौन निर्धारण या रिकॉर्ड के रखरखाव में शामिल किया जाता है। कानून बनता है कि यह यौन निर्धारण के शामिल लोगों में के लिए निवारण होना चाहिए। लड़का लड़की के लिंग अनुपात में दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट न करे कदम उठाने चाहिए। प्रसव पूर्ण निदान एक अज्ञान भ्रूण के स्वास्थ्य और स्थिति को निर्धारित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसव पूर्व निदान से प्राप्त ज्ञान के बिना भ्रूण या माँ या दोनों के लिए एक अप्रिय परिणाम हो सकता है। गर्भावस्था के शेष सप्ताह में प्रबंधन, गर्भावस्था के परिणाम का निर्धारण करना, जन्म प्रक्रिया के साथ संभवित जटिलताओं के लिए योजना बनाना, नवजात शिशु में होने वाली समस्याओं के लिए योजना बनाना, यह तय करना कि गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं, भविष्य की गर्भावस्था को प्रभावित करने वाली स्थितियों को ढूंढना, प्रसव पूर्ण निदान के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गैर आक्रामक और आक्रामक तकनीक को उपलब्ध है, उनमें से केवल गर्भावस्था के दौरान सबसे बड़ी उपयोगिता के लिए विशिष्ट समय अवधि के दौरान लागू किया जाता है, प्रसव पूर्व निदान के लिए नियोजित तकनीकों में शामिल किया गया है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, उल्लवेधन, भ्रूण में जेनेटिक गड़बड़ियों की जांच करना, मातृ रक्त में भ्रूण रक्त कोशिकाओं की जांच करना, मातृ सीरम अल्फा फोरोस्टेरोन प्रोटीन की जांच करना, मातृ सीरम बीटा HCG की जांच करना, मातृ सीरम एस्ट्रियल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश किया जाता है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्ण लिंग धारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु की लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़ों या कराने वाले डॉक्टर को लैब कर्मी को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50 हजार की जुर्माने की सजा प्रदान की जाती है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था निदान रोकथाम अधिनियम क्या है। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.garbhasanskar.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।